मध्य प्रदेश में थर्ड जेंडर अर्थात किन्नर समाज भी बीजेपी की सदस्यता ले रहा है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह ने राजधानी भोपाल में 150 से अधिक किन्नरों को भाजपा की सदस्यता दिलाई। देखिए खास रिपोर्ट। बीजेपी सदस्यता अभियान के तहत भाजपा के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह बुधवार को भोपाल के मंगलवारा स्थित किन्नर गुरु सुरैया के आवास पर पहुंचे। बीजेपी जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी, पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह के साथ बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह ने किन्नर गुरु सुरैया और करीब 150 किन्नरों को मिस्ड कॉल के जरिए बीजेपी की सदस्यता दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बीजेपी नेता किन्नर गुरु सुरैया को साड़ी फल भेंट किए गए। इस दौरान किन्नर गुरु सुरैया और अन्य साथियों ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए जन्मदिन की बधाई गीत गाकर उनके श्वेतायु होने की कामना की। बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद किन्नर गुरु सुरैया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे वर्ग को समाज में स्थान और सम्मान दिया है। प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण में उन्होंने मुझे आमंत्रण देकर बुलाया था। आज तक कांग्रेस के टाइम के अंदर कभी किन्नरों को इतना सम्मान नहीं दिया, कभी इतनी इज्जत नहीं दी। जब से हमारी बीजेपी है, जब से किन्नरों को बहुत सम्मान और बहुत इज्जत मिली है। और हमारे मोदी जी ने शपथ ली थी दिल्ली के अंदर, मुझे खुद बुलाया था। मोदी जी ने जब शपथ ली थी, जब भी मुझे बड़ा फख्र महसूस हुआ था, बड़े गर्व की बात है। और हम इस शहर में, जिस देश के अंदर, हिंदुस्तान में रहते हैं, मोदी जी का तो दूर दूर विदेशों में भी नाम है। मोदी जी ने वो काम करा है जो आज तक किसी ने नहीं करा था। आज आपने मोदी जी को शुभकामनाएं भी दी हैं जन्मदिन। हाँ, जन्मदिन की हम लोगों ने शुभकामनाएं दी हैं। वो मालिक करे, ईश्वर करे, आज टाइम में मोदी जी हजारों साल जिए, हमारी तो यही प्रार्थना है, यही हमारी दुआएं। कितने सदस्य आज जुड़े हैं, कितने सदस्य आज जुड़ने वाले हैं? आज करीब हम किन्नर 100-150-200 किन्नर हैं, हम बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह ने किन्नर गुरु सहित थर्ड जेंडर के लोगों की सदस्यता के बाद मीडिया से कहा कि पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा पखवाड़े के तौर पर मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में मैं किन्नर समाज के बीच आया हूं। हमारे लिए बेहद ही खुशी की बात है कि हर वर्ग और हर जाति के लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, किसानों के दुश्चिंतक और सभी लोग के, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मूल मंत्र देने वाले आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के जन्मदिन के अवसर पर कल से हम लोग उनका जन्मदिन मना रहे हैं। सेवा पखवाड़ा चल रहा है, उस अवसर पर आज हम लोग अपने किन्नर समाज के बीच में आए हुए हैं। हम लोगों ने उनको फल वितरण किया है, साड़ी वितरण किया है और उनसे आग्रह किया और उनका आशीर्वाद हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी दीर्घायु हो और इसी तरीके से भारत का नाम दुनिया के अंदर हो और जो विकसित भारत का संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है वो पूरा हो, इस निमित्त आज मैं किन्नर समाज के बीच में आया हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी कहना है समाज के सभी वर्गों में जा करके हम लोगों को काम करने की आवश्यकता है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी सभी समाज को जोड़ा है। किन्नर समाज के लिए भी उन्होंने आयुष्मान भारत की योजना को लागू किया है, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन है और उनको बधाई है। सभी हमारे किन्नर समाज के लोग बहुत खुश हैं। आप लोगों ने देखा होगा
किस तरीके से किन्नर समाज के सभी लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई दिया है जन्मदिन की। हम सब लोग उनके बीच में आए हैं, आज उनको पार्टी का सदस्य भी बनाएंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री के ये जो सेवा पखवाड़ा चल रहा है उस निमित्त हम लोग उनकी सेवा करने के लिए भी आए हुए हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में भाजपा का अभियान तेजी से चल रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी के नेता प्रदेश के हर वर्ग हर जाति के लोगों को पार्टी से जोड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।